Hey, what is up everybody? Welcome back to another video. Hope all are doing good guys. So guys, आज मैं आप लोगों के लिए और एक अनबॉक्सिंग लाया हूँ क्रिकेट गियर का है, वो है ग्रे निकोलस का राइट हैंड बैट्समैन लोगों के लिए बैटिंग ग्लव्स, जो कि काफ़ी अच्छे और सस्ते प्राइस में मेरे को मिल गया, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर ग्लव्स जो कि मिला मेरे को 1090 पे अमेजोन से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस यही है ग्लव्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं काफ़ी अच्छा कलर है, और ये देखिए राइट हैंड के लिए ग्रे निकोलस का एकदम प्योर, क्या कहते हैं उसे, ओरिजिनल। और ये देखिए एज यू कैन सी यहाँ में प्राइस इसका 1299 दिख रहा है, ठीक है, कहाँ पे प्राइस ये 1200 सॉरी, तो 1200 का ये मेरे को मिला 1090 पे, तो काफ़ी अच्छा डील है गाइस। मैं तो आप लोग के मतलब सर हर किसी को जो बैट्समैन है और ज़्यादा दामी वाले एफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसको मैं ये रिकमेंड करूँगा। और हम लोग जैसे ही पैकेट खोलेंगे ज़्यादा कुछ तो नहीं, इसलिए हमें ग्लव्स मिलेगा और पॉलिथीन में पैक इस तरह से, और जैसे निकालेंगे इस तरह से ग्लव्स एकदम राइट हैंड बैट्समैन के लिए एज यू कैन सी गाइस। तो और ग्लव्स की बात करें तो ये मतलब अच्छा लेदर, स्मूथ लेदर है, उसके बाद पैडिंग है जैसे देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, कलर कॉम्बिनेशन तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है गाइस। और ये स्ट्रैप और यहाँ में ये हल्का वाटर वही टावल की तरह इलास्टिक वाला, जिसमें तो हम लोग इजी से घुसा सकें। ओ भाई क्या फील आ रहा है गाइस, काफ़ी अच्छा लग रहा है नया में तो। वेंटिलेशन का दिया है सिस्टम, आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से, देखिए इधर ये साइड और ये साइड वेंटिलेशन के लिए दिया सिस्टम, ठीक है, तो ताकि मतलब, और इधर भी दिया है पाम पे और हर फिंगर पे, वो तो ज़्यादातर हर ग्लास पे रहता है ये इस तरह से कुछ, कि आपको मतलब ज़्यादा पसीना आए तो वेंटिलेशन के लिए काम आता है, ठीक है, मतलब हाथ गर्म होने के बाद पसीना तो आता ही हर किसी का ज़्यादा चलता, पर मेरा कुछ ज़्यादा ही आता है गाइस, इसलिए मैं इनर पहन के खेलता हूँ, ठीक है, इनर मेरे को ज़रूरी होता ही है। तो ये गाइस किस इस तरह से काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन के साथ एज यू कैन सी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मज़ा लग रहा है गाइस, और पकड़ के भी वो फील आ रहा है कि टूटेगा नहीं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत बढ़िया लग रहा है, ओ भाई मज़ा लग रहा है गाइस। और आपको मैं बात करूँ तो जो 200-300 में मिलता है गाइस वो कुछ इस तरह का रहता है ग्लव्स, तो वो ज़्यादा खास नहीं रहता, ठीक है, अब बहुत बिगनर और छोटे हो तो अलग बात है, थोड़ा पेस आएगा तो लगेगा बॉल तो चोट लग जाएगा मुझे, ठीक है, तो उस हिसाब से गाइस तो 300-400 का हम लोग खरीद के फ़ायदा नहीं है। और जैसे बास का जो 1400 से स्टार्ट होता है 1400 से वैसा लिए, या फिर SG का जो बहुत मतलब महंगा होता है, ठीक है, तो हम ज़्यादा एफर्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके लिए मैं ये लेके आया हूँ ग्रे निकोलस का बैटिंग ग्लव्स, जो कि काफ़ी अच्छा है, और ये लेकिन सिर्फ वो एक राइट हैंडेड बैट्समैन लोग के लिए सिर्फ है, और ये आपको मिल जाता है 1090 रुपीज़ पे अमेजोन पे, आपको मैं इसका लिंक दे दूँगा गाइस डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट जाके परचेस कर सकते हैं, या फिर अमेजन में जाके आप सर्च कर सकते हैं ग्रे निकोलस का पैटिंग ग्लव्स, ओके, तो आपको ये दिख जाएगा, इसका नाम है पावर GN3, ओके। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि आप सबसे जो बंदे रोड टू बी प्रोफेशनल क्रिकेटर पे हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के रोड पे हैं, वो तो प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और ज़्यादा अच्छे अच्छे ग्लव्स जो मतलब बहुत हाईली रेटेड ग्लव्स, या फिर जो भी किट्स एफर्ट नहीं कर सकते हैं उन लोगों के लिए ये ग्लव्स सबसे बेस्ट रहेगा गाइस, ग्रे निकोलस का पावर GN3। ये की खराबी इसका कि ये से आपको राइट हैंड के लिए मिलेगा, राइट हैंड बैट्समैन लोग के लिए, लेफ्ट हैंड बैट्समैन लोग के लिए फिलहाल ये अवेलेबल नहीं है। तो गाइस जो क्रिकेटर ज़्यादा मतलब दाम वाला एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो गाइस यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस, बहुत ही अच्छा ग्लव्स है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं ये ग्लव्स को काफ़ी सारे ग्रे निकोलस के स्पॉन्सर्ड प्लेयर पे भी पहनते हैं, जैसे कि वेदा कृष्णमूर्ति, करुण नायर, सैम बिलिंग्स, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, तो ये काफ़ी फेमस ब्रांड है गाइस क्रिकेट का ग्रे निकोलस, जिसे काफ़ी लोगों ने यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग काफ़ी क्रिकेटर। चले चलते हैं फील्ड में और आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा खेल के, उसके बाद आपको मैं लास्ट बढ़ देता हूँ, तो फिर चलिए। Thank you.
एक साल पहले ऑलरेडी ये सेम यही वाला ग्लव्स खरीदा था सॉरी, तो एक साल बाद सिर्फ मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे साथ दो तीन दोस्त मेरे खेलते हैं और उनके पास ग्लव्स नहीं है तो मेरा ग्लव्स भी वही यूज़ करते हैं। तो मतलब टोटल 3 से 4 लोग के यूज़ करने के बाद एक साल 2 महीना के बाद ये ग्लव्स गाइस कुछ इस तरह का हो गया है। अंदर का बाहर का तो ए टू जेड वैसा ही है, थोड़ा गंदा हो गया बस, लेकिन वैसा ही है। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखिए सब बढ़िया। बस यहाँ में थोड़ा सा गाइस वो ग्रीप से ना थोड़ा सा वो हो रहा है, अभी शुरू हुआ है वो ना, और मतलब वो भी तब हुआ जब मैंने इसे एक बार खेल के सुखाना भूल गया इसे, ठीक है। वही गाइस कि आप जब खेलोगे पैड ग्लव्स आईपैड या सब हेलमेट सुखाना ज़रूरी है, उसे आप नहीं सुखाओगे तो कुछ इस तरह से आपका ऑब्वियसली जो आप खेलोगे उसको केयर करना भी तो ज़रूरी है ना। तो देखिए लेफ्ट वाला का कुछ इस तरह से थोड़ा गंदा हो गया है और सब बढ़िया। बस यहीं पर यही दोनों साइड में यहीं पर थोड़ा फट रहा है ग्रिप से करते करते, ठीक है। और तो ऐसे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है गाइस। तो देखिए एक साल 2 महीने बाद भी ये ग्लव्स कुछ इस तरह से अभी भी गुड कंडीशन पे है, और जो मैंने अभी लिया ग्लव्स वो ये है। तो गाइस काफ़ी अच्छा ग्लव्स है, बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन के साथ, काफ़ी अच्छा प्राइस पे। इसको ज़रूर आप परचेस करिए और देखिए खेल के आपको कैसा लगता है। तो मेरा तरफ से यही लास्ट वर्ड के गाइस, द बेस्ट बैटिंग ग्लव्स अंडर 1100, यू गाइस डेफिनेटली गो फॉर दिस। तो इसके लिए बिग थम्स अप गाइस। सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हुए गाइस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हाई फाइव।